मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में पत्रकार की लाश मिली, जिसे जिले के सारे पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे और घटना को देखकर चकाचौंध हो गए। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जिले के सभी संगठन के पत्रकार कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित हुए। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकार ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि लल्ली उर्फ राजकुमार सोनी की किस कारण जान गई, शीघ्रता से जांच कर मामले का खुलासा किया जाए। आगे पत्रकारों ने कहा कि दिन में पत्रकारों पर हमला हो रहा है, पत्रकार संविधान का चौथा स्तंभ है, फिर भी कोई सुरक्षा नहीं है। सरकार को पत्रकारों की कड़ी सुरक्षा के विषय में सोचना चाहिए। जिले के सभी पत्रकार भाई संगठन इस घटना से दुखी है। आखिर क्यों मध्य प्रदेश सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं कर रही? पत्रकारों ने ज्ञापन में मांग की है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून व्यवस्था बनाई जाए, जिससे उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना हो। धमकियां मिलने पर पत्रकारों को तत्काल पूरी सुरक्षा मिले, जिससे बिना भय के पत्रकार निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। पत्रकारों पर हो रहे हमलों की निष्पक्ष व त्वरित जांच कार्रवाई की जाए तथा दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसे अपराधी की पुनरावृत्ति ना हो। हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था नियम कानून जो है, रूल्स जो बनाए गए हैं, वो कड़े तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए और ये घटनाओं पर रोक लगना चाहिए। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब और वर्तमान शासन प्रशासन सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश का नागरिक होने के नाते, कि हमारे भारत देश के जितने भी पत्रकार हैं उनके ऊपर जो आए दिन हमले कहीं ना कहीं सामने नज़र आ रहे हैं, ये गलत है, इसके ऊपर रोक लगाएं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। थैंक यू। अज्ञात लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। कल हमारे ही एक पत्रकार साथी संपादक है कॉर्नर सिटी के, बीनू डोंगरे जी, उनके ऊपर भी जबलपुर में अज्ञात लोगों ने गोली मारी, जिनके उनके कंधे पर गोली लगी है, मेडिकल जबलपुर में भर्ती है। और रात को राजकुमार सोनी करके एक हमारी प्रेस के फोटोग्राफर है, जो कलेक्टर परिसर के अंदर उनकी एक निर्मम हत्या की गई और पुलिस बोल रही कि खुदकुशी है। तो हमको पत्रकारों को बड़ा विचार आता कि ऐसी तो खुदकुशी हो नहीं सकती जो कलेक्टर परिसर में आके खुदकुशी करे, ये तो संभव नहीं है। हम चाहते कि इसकी उचित जांच हो, अच्छे से अच्छी इसकी जांच कराई जाए और जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। ये सारे पत्रकार छिंदवाड़ा जिला के हम लोग आज एकत्र हुए हैं और हम चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो और पत्रकारों के लिए सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर एक सुरक्षा प्रदेश दिया जाए। गया प्रशासन मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में युवा पत्रकार संगठन, महाकौशल संपादक संघ एवं छिंदवाड़ा जिले में कार्यरत सभी पत्रकार संगठन आज एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट परिषद में ज्ञापन देने हम सभी पत्रकारगण आए हुए हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रतिदिन जो है पत्रकारों के ऊपर किसी न किसी प्रकार का अत्याचार और अन्याय और शोषण होते जा रहा है। अब आप लोग समझिए कि एक तरह जो है शासन भी पत्रकारों को चौथा स्तंभ मानती है और आज दिन पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। आज देखिए सुरक्षित जगह जो माना जाता है कलेक्टर कार्यालय, यहाँ पर एक हमारे पत्रकार फोटोग्राफर जो है कल जो है उसका हत्या किया गया है या आत्महत्या है, ये एक सोचने की और जांच की विषय है। इन सभी पहलुओं को लेते हुए आज हम संगठन के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। एक हमारा छिंदवाड़े का पत्रकार जो जबलपुर गया हुआ था, वहाँ पे उसके ऊपर गोली चढ़ा दिया गया। कुछ दिन पहले जो है चोरई में पत्रकार के साथ में जो है घटना घटित हुई है, जानलेवा हमला हुआ है। तो हम सभी पत्रकारगण जो है माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम सभी लोग मांग करते हैं कि तत्काल शीघ्र जो है कार्रवाई करें, या फिर हम लोग को मजबूरी होकर विवश होकर हम लोगों को कलम, आज जो पत्रकार कलम उठाकर काम करता है, अब हम लोगों को भी बंदूक उठाकर काम करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम प्रशासन को और सरकार को चेताते हैं कि तत्काल जो है पत्रकारों के हित में एक विधेयक पारित किया जाए, अध्यादेश पारित किया जाए और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इस मांग को लेकर हम सभी लोग ज्ञापन सौंपे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश तांत्रिक है और महाकौशल संपादक संघ में प्रदेश अध्यक्ष। और एक बात में एक चौरे से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।